जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि ज़ॉम्बी अंदर आ रहे हैं, उसको हमने रोकने अंदर आने से एक एक करके सब अंदर आ रहे हैं। मैं नीचे जाना चाहिए और वो आ गया। मेरी पूरी टीम उनको अंदर आने से रोक रही, लेकिन ये फिर आते जा रहे हैं। ये ज़्यादा ही हो गए हो तेरी खैर, लगता है हमारा बचना मुश्किल है। और ये आ गया हमारे ऊपर से हेलीकॉप्टर, इसका पूरा पार्ट देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे। ये बस ट्रेलर है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम लाइफ आफ्टर खेलेंगे। ये लाइफ आफ्टर का पहला पार्ट है, तो चले भी स्टार्ट करते हैं। तो मिस्टर नोविस कह लिखा डॉन्स डे नोविस सर्वर यूज़ करते हैं, तो अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम खेलने से। और ये दरवाज़ा खड़कने लग गया, कौन आ गया, ये कौन है, वे शैतान। और ये तीन हाथ है इसके, और ये हमारे साथी ने इसे टपका दिया। पीछे इसके और भी है। ये फर्स्ट टाइम है ना, तभी थोड़ी सी लैग हो रही है, खेलते रहेंगे तो उसकी लैगनेस ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल कमांडो वाले स्टाइल में हम नीचे उतरे हैं, और ये सुस्ती के हमारे अभी भाग रहे। उसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। ये बताने का वक्त नहीं है, सबसे पहले हमें महफूज जगह ढूंढनी है। जल्दी चलो यहाँ से, ये महफूज जगह नहीं है। जैसे कि हमें ऑलमेस ने कहा है कि ये महफूज जगह नहीं है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और ये सामने से ट्रक है, और ये पलटी हो गया। ऑलमेस बिल्कुल सही कह रहा था, आप देख सकते कि कितने ज़ॉम्बीज गेट के पास खड़े हैं। ऑलमेस तुम सही कह रहे थे, यहाँ से चलते हैं अभी। तुम मेरे नज़दीक ही रहो। आ रहा हूँ ऑलमेस, मुझे बता सकते हो कि सब क्या हो रहा है? वो तेरी खैर, ये बिल्डिंग क्यों टूट रही है, और ये हेलीकॉप्टर पे इतनी ज़ॉम्बीज। ये हेलीकॉप्टर किसका है ऑलमेस? वो ये हमारी तरफ ही आ रहा है। संभल के जरा ऊपर की तरफ आओ, तुम नीचे क्या कर रहे हो, जल्दी आओ फटाफट। ऑलमेस ने सही कहा था, ये सेफ जगह नहीं है। अभी वो मुझे छोड़कर ऊपर चला गया, और यहाँ से गेट भी बंद है। गेट पर चेन लॉक लगा हुआ है, तुम अपने आसपास देखो, तुम्हें ये चेन तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। ऑलमेस, हमें एक बॉक्स मिला और उसमें से गन निकल गई, तो अभी हमें ये चेन लॉक तोड़ देनी चाहिए, और ये शूट कर तो दो गोलियां मारूं गन को। गेट खोलकर अंदर जाएंगे हम। ओ तेरी खैर, आगे से भी गेट बंद है, कोई बात नहीं, हम दाएं मुड़ जाएंगे। यहाँ ज़ॉम्बी खड़े हैं, थोड़ा होशियार हो जाओ। हाँ हाँ, दिख गए मुझे, वो सामने तीन है, कोई बात नहीं, इनको अभी मार दूंगा मैं। हमारे पास गन है और हम इनसे डरते नहीं। तू भी आ भाई, इसको भी उड़ा दिया मैंने, बस एक रह गया, और ये भी पहुंच गया ऊपर। होमलेस, मुझे बताओगे ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी हमें आगे का पता रहे, आगे जाना है। लगता है वहाँ के ज़ॉम्बी मर गए, अब मुझे आगे देखने दो कि क्या पता चलता है। होलमेस, मैं यहाँ नहीं रुक रहा, क्योंकि मैं अब सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर आ रहा हूँ। चलो तुम सीढ़ियों की मदद से छत पर आ जाओ। होलमेस ने कहा है कि ऊपर आ जाओ, तो ये छत है मेरा ख्याल, और ये गड्ढा मेरे ख्याल इस खड्डे में जाना है। और ये कुत्ता मुझे देखा लग रहा। हाँ याद आया, इसको हमने शुरू में लिया था, प्यार मांग रहे अभी ये प्यार। तुझे और बहुत कुछ भी मिलेगा, अभी हमारे साथ आ जा, वह वह नहीं कर। और ये बैग भी उठा लेते हैं, अभी ज़ॉम्बी को मार के स्कूल पे जाएंगे, यही करेंगे। गेट खोलते हैं, और आगे भी एक गेट है, उसे भी खोल लेते हैं, कोई बात नहीं। और ये हमारा फ्रेंड ऑलमेस आ गया। इधर आओ जल्दी फौरन, अभी
अरे ये क्या हो गलनेस, ये सब तो मर गए थे, दोबारा क्यों आए? लगता है हम आज जिंदा नहीं बचेंगे, सब कुत्ते की तरह पड़ रहे हैं मुझे। मेरा कुत्ता तो अंदर है ना? हाँ कुत्ता अंदर है। ये क्या मजाक है गलनेस, मुझे बता दो ये आखिर चल क्या रहा है। वो उसका सर ही अंदर आ गया। हम गोलियाँ मार मार के थक गए, लेकिन ये मर मर के नहीं थक रहे, दोबारा जिंदा हो गए। चलो भागो यहाँ से, जल्दी से शॉपिंग मॉल के अंदर आ जाओ। जैसा कि ज़ॉम्बी हमारे पीछे ही है, मैं शॉपिंग मॉल के अंदर आने चाहिए। ये शायद ही महफूज जगह है। मेरा नाम होलनेस है और मैं हैप्पी हॉप 101 का बचाने वाला हूँ, और तुम अभी वापस आना क्योंकि मैंने तुम्हारी दो बहनों को बचाना है। हम दोनों अभी अलग हो जाते हैं, जैसे ही मैं उनको बचा के लाएंगे फिर हम दोनों ही यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है ठीक है, अभी हम नीचे जाते हैं लिफ्ट के ज़रिए, जब तक कि वो ओ ये क्या हुआ, अभी तो ये चला गया था, वापस क्यों आ गया? एकदम ये बाहर खड़ा था, जादू से अंदर आ गया। मेरा ख्याल इसने ये कहा है कि हम दोनों को, इनकी सिस्टर को बचाना चाहिए, इसकी सिस्टर को। तो चलो अब चलते हैं हम। बहुत अच्छे, हिलना मत जनाब, गोली मत चलाना, और मैं तुम भी गोली मत चलाना मिस्टर। ये हमारे दोस्त है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलो हमें होलमेस से बात करनी है अभी, क्या कहता है होलमेस? कितनी देर से मैं चुप बैठा था, अब मुझे बोलने का आखिर मौका मिल ही गया है, तो बात करते हैं हम होलमेस से। सेफ है क्या? ये लोग आपको तलाश कर रहे थे? हाँ आखिरकार एंडी और मर्फी मिल ही गए। अब इस जगह से हम निकल, यहाँ से निकल कर हम कहाँ जाएंगे? हैप्पी 101 मशीक का सबसे बड़ा स्लेब जोन, हम वहाँ से मिशन पर आए थे इस इस जगह मिशन को पर। लेकर? जी हाँ, हमें एंडी के वाले से खबर मिली, उन्होंने दावा किया कि इस शहर में कहीं ना कहीं मुतासर अफराद का इलाज मौजूद है। तो हम एंडी के साथ यहाँ आए और अभी वापस जाने का वक्त है हमारा। तो अब मैं क्या करूँ? एंडी रेंडवे स्टेशन से हेलीकॉप्टर बुलाने की कोशिश कर रही है, जब तक हेलीकॉप्टर आ जाए तब तक हमें जिंदा रहना होगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्या कर रहे हो? हाय एंडी, संजीव हलमे साहब को तेज रफ्तार से लाया। तो मैं आपकी क्या मदद कर? जैसे मैं हेलीकॉप्टर बुलाऊंगी तो सारे ज़ॉम्बी होशियार हो जाएंगे, तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। ये बैंडेज ले लो, जैसे कोई इमरजेंसी केस पड़े तो तुम इसे यूज़ कर लेना, इससे तुम मरोगे नहीं। मैं तुम मर्फी हो? मैं अपनी बड़ी बहन एंडी के साथ अपने अब्बू की बताए हुए जगह पर आई हूँ, जहाँ मदरसा अफराद की दवाई मिलेगी। आपको डर नहीं लग रहा? तुम्हें कुछ चाहिए? अभी स्टार्ट करते हैं हम। अभी हमें एक गन बनानी है मेरे ख्याल से, पहले गोलियां रिलोड कर लें हम इस पर। ये लगा हुआ है फ्री का एमओ बॉक्स, तो जैसे कि हमें ये पीछे जाने का बता रहा है, तो जैसे कि स्टोरी तो आपको पता चल गई होगी कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए। ये लोग इसलिए आए कि इसके वालिद को पता चला है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, यानी ज़ोंबी, या जैसा कि कोरोना वायरस फैला हुआ है ना, इस तरह का एक वायरस फैला हुआ है जिसका नाम है ज़ोंबी। जैसे ही वो वायरस लगता है तो बंदे ज़ोंबी बन जाते हैं। तो उसके वालिद को ये पता चला है कि उसका इलाज यहाँ मिलेगा, तो ये लोग उसको ढूंढने आए हैं। जैसे कि कोरोना वायरस का इलाज सबसे पहले चाइना ने निकाला है, उसके अबू ने सबसे पहले इलाज इसका यहाँ निकाला है। पता नहीं इसको यहाँ क्यों, यहाँ की क्या सूरी के यहाँ आ गया। एक ज़ोंबी के लोग चक्कर आने लग गए, इसके चक्कर हम पूरे करते हैं अभी, और यह पूरा हो गया। तो मैं अभी गन बनानी है, अभी हम पहुँच गए इसके पास, और ये गन बनाने के लिए हमारे पास सामान नहीं है, तो मैं ये आगे जाने का बता रहे हैं। आगे मेरे ख्याल सामान है,
और एक डब्बा मिला हमने संडली चेस्ट में, प्लास्टिक लोहे निकला है, हार्ड स्प्रिंग निकली है और एनास्टेटिक कूलिंग प्लास्टिक मिला है। अभी एक और चेस्ट है संडी चेस्ट टैक्टिकल माउंट बीट मिला है, प्लास्टिक एलॉय मिला है। इतना सामान मिल गया हमें तो चलो अभी बनाते हैं। तो उसको बनाने के लिए 10 सेकंड चाहिए, तो अभी बात कर लेते हैं हम 10 सेकंड में। जब तक ये गन भी बन जाती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें। जितने में आपने सब्सक्राइब किया इतने में हमारी गन बन चुकी है। तो अभी हमें वापस उनके पास जाने, लेकिन हम आए कहाँ से थे? दया, हम रास्ता भूल गए। दया, कोई बात नहीं, हम इसको खोलेंगे। ये लिफ्ट खुल गई, तो आते वक्त भी तो लिफ्ट से आ जाता है ना, रस्से से टाप कर क्यों आया? और ये इतने में हम पहुंच गए। अभी हमें नीचे जाना है इसके पास, एलिस्के के पास और होलमेस के पास। यहाँ तो आ चुके हैं और चू टू 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 की आवाज़ बड़ी आ रही है। हमने इससे बात करनी है, हमने आल किससे। तुम वापस आ गए, कोई बुरा नहीं। आ गया, अब आई गए हो तो आखिर के दो जाल को सही कर दो। बहुत अच्छे, तुम तो बहुत जल्दी समझ गए। कुछ बाकी तो नहीं? शुक्रिया अलिस्के की मदद करने के लिए, जो उसने जार लगाने का भूला था वो लगा दिया। अब तुम ये लैंड बम लो और उसे भी लगा दो। फाइट अभी बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमने सारी तैयारी कर ली है, लैंड बम लगा लिया है, जाल बिछा लिए। क्योंकि वो एंडी जो है वो हेलीकॉप्टर बुलाने गई है रेडियो स्टेशन से। जब तक हेलीकॉप्टर आएगा हमें ज़ॉम्बियों को संभालना है, ताकि कोई हमें मार ही ना दे। और ये मर्फी से हम बात करते हैं। बेटा परेशान तो नहीं हो? ए, तुम आ गए, ये लो मेरी तरफ से मेडिकल किट ले लो, ये तुम्हारी हेल्प करेगी। हमने एंडी नज़र आ रही है, रेडियो स्टेशन से बुला रही है उसको, हेलीकॉप्टर को। जब तक हम गन रिलोड कर लेते हैं सारी, अभी बड़ी ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। क्योंकि जैसे ही हेलीकॉप्टर आएगा यहाँ, उसकी आवाज़ से सारे ज़ॉम्बीज जो होशियार हो जाएंगे, तो वो सारे ही यहाँ आ जाएंगे। तो हमें देर तक ज़िंदा रहना है, क्योंकि होलमेस ने कहा था कि नहीं, होलमेस ने एंडी ने कहा था कि जब तक तुम ज़िंदा रहोगे तब तक बचे रहोगे। अगर आपको उसकी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसे कि मैंने कहा था कि जिसका कमेंट मुझे सबसे अच्छा लगेगा वो मैं अपनी वीडियो में शो किया करूँगा। अभी एक कमेंट मुझे पसंद है, वो इसके लाइफ आफ्टर का जो एक और पार्ट बनाऊँगा ना, उस पर मैं शो करूँगा, इस पर नहीं करता अभी। अगर इस पर भी कोई अच्छा कमेंट कर दे तो उसकी लाइफ आफ्टर के एक और पार्ट में उसका कमेंट भी शो कर दूँगा। जैसे कि बड़े सालिम इंसान हैं, ज़ॉम्बीज आई जा रहे हैं, बड़ा ही ख़राब मुकाबला चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं ये। या हमारी फट कर हाथ में आ गई है, अरे इसके हॉलमेस भी लगे हुए मारने पर, इनको हम सबसे पीछे खड़े हैं, अच्छी बात है। और ये लगे हुए एंडी ने यह रॉकेट छोड़ा, बड़ा ही ख़तरनाक मुकाबला चल रहा है। और ये आते जा रहे हैं, आज हम नहीं जिंदा बचते। भला अगर तुम आई थे तो लड़की को लेकर क्यों आए मर्फी? वो तो छोटी सी बच्ची है मर्फी, ये जो भागी, अगर मिशन पे आना तो अकेले आते। मर्फी बच्ची की जान भी उस लोग ने
जो के में डाली, और हम जाते हैं एलिस आर्मलेस बात में आएगा भाई। तो उतर क्यों गया, चढ़ जाओ मारेगा, इधर ही तेरी बोटियाँ बन जाएगी। ऑलमेस बेटा जल्दी से आ जाओ, ऑलेस के भी नीचे, तो हम क्या करने जा रहे ऊपर, यानी कि हम फट्टू हुए जो भाग गए। कोई बात नहीं, दोनों लड़ रहे अकेले, एक एक कर कर आ जाओ सारे। वेरी गुड, वेल डन। और इसी के साथ ये मिशन होता है पार। अभी थोड़े से नज़ारे देख लो आप। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर आप चाहते हैं इसका एक और पार्ट बनाऊं मैं, वो भी उर्दू वर्जन में, तो इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स कर दें, और साथ में मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो बस आज के लिए इतना ही।